एक और इधर है, एक करीब लेटा हुआ है कहीं पे। कहाँ लेटा हुआ था? रोमियो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम पब्लिक, क्या हाल चाल है? तो गाइस, सबसे पहले कमेंट्स में वालेकुम अस्सलाम करके प्रेजेंट लगा दो। आज मैं बड़े टाइम बाद ना वॉइस ओवर करूँगा पूरी वीडियो पे, तो आप लोगों ने पूरी वीडियो देखनी है। आप लोगों के साथ गपशप भी लगाऊंगा, और जो लोग आके कमेंटों में बदतमीज़ी या फिर कोई बातचीत करते हैं उनका भी मैं जवाब दूंगा इस वीडियो में। तो आप लोगों ने वीडियो फुल देखनी है और लाइक कर देना इस वीडियो को। अच्छा, इसमें सीन ये है ना, हम लोगों से चिकन निकल गया भाई, आज से बिल्कुल हाथ में था चिकन, निकल गया। दो बंदे रहते थे आपके भाई से, वो बताना कौन से बंदे ने मुझे मारा है, ठीक है? और मैंने मतलब नासिर के बंदे को या नासिर को कैसे मारा, आप लोग देखना। और मैं आपको एनिमी का भी पीओवी बताऊंगा और अपना भी पीओवी बताऊंगा। तो गाइस, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे न्यू तो काइंडली यार सब्सक्राइब कर दो यार। कई लोग आके कमेंट करते हैं कि रोमियो भाई। अच्छा, अभी यहाँ पे पता क्या सीन होता है, पहले सीन सुनो। यहाँ लैंड करते हैं ना, मेरे बंदे को नॉक देता है। अब इस रूम का एक रूल है कि आप लोग किसी को मारोगे नहीं, गाड़ी मतलब गाड़ी लेने जाएगा कोई, या फिर अपने ड्रॉप तक अगर कोई बंदा नहीं जाता तो उसको मारोगे नहीं, ठीक है? तो अभी यहाँ पर लैंड करेंगे, कदीर भाई आते हैं हमारे, स्पिन कदीर रिफ्लेक्स किंग भाई आते हैं हमारे, वो यहाँ पर हमारा एक बंदा दे देते हैं नॉक, ठीक है? वो जैसे ही हमारा एक बंदा नॉक देते हैं, फिर आपका भाई भी उनको कर देता है नॉक। तो फिर देखना वो आगे से क्या कहेगा, मतलब छोड़ देते हैं एक दूसरे को। देखो, हम सब तमाम यूट्यूबर होते हैं, तो हम बच्चे नहीं हैं, ठीक है? सारे एक ही रूम में होते हैं, तो हम बच्चे नहीं, हम फेयर फाइट लेते हैं। ड्रॉप पे आकर अगर कोई किसी को मारता है तो हम उसको नहीं मारते। अब ये देखो, ये चेक करो, अब यहाँ पे सुनना कदीर भाई क्या कहेंगे। बोल, उसको नहीं फाइट लेनी। टेन इधर आ। हेलो, टेन ना ना ना, इधर आ। छोड़ रोमियो, छोड़। अबे मेरा तू तु, तु, तुझे मैं क्या बोलूं, तुझे मैं क्या बोलूं, जालिम इंसान कहीं और से पार चल ना, तो मुझे क्या पता तुरे, चल जा 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 जा, चल छोड़ छोड़ जा। गाइज, ये सारा सीन होता है, हम लोग फिर अपने ड्रॉप पे जाते हैं, लूट करते हैं और रोटेशन दे देते हैं। रोटेशन दे के हम लोग आके ना ये जगह होल्ड कर लेते हैं। अब बंदे देखो, 50 बंदा रहता है और सर्कल बिल्कुल छोटा सा, हर तरफ बंदे हैं। यहाँ पे मेरे पास भी बंदे आ जाते हैं चेक करना, यहाँ पे मतलब हम लोग डिप लेके बैठे होते हैं, पर बंदों का वेट कर रहे होते हैं कि भाई कोई बंदे आए सही है एक बार, ठीक है? फिर यहाँ पे ना गाड़ी आ जाती है, यहाँ जैसी बगी आती है ना, तो बगी सिर्फ अकेली तो नहीं होती, जहरी बात। अब मैं इसको मारने के लिए आगे जाऊँगा, इसके बंदे पीछे से मारेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे अब नेड वगैरह करवाएंगे हम आगे। मैं इसलिए नहीं हुआ कि भाई उसके बंदे भी तो होंगे ना, जैसे मेरे बंदे हैं ना दूर, वो मुझे कवर देने के लिए बैठे हुए हैं, वैसे उसके बंदे भी कवर देने के लिए बैठे होंगे। अब ये जो सामने स्क्वाड था, ये एमके गेमिंग भाई थे, ठीक है? अब यहाँ पे इनका बंदा एक मुझे नॉक देगा, पर देखना कैसे नॉक देगा, और मैं भी एमके गेमिंग भाई को नॉक दूंगा, फिनिश दूंगा, वो आप लोग देखना। और यहाँ पे भी फाइट एंजॉय करो आप लोग। ये चेक करो, मैं थोड़ा पीछे आता हूँ, यहाँ पे हमारा एक बंदा भी नॉक होगा, तो हमें पता नहीं होता वो बंदा किधर से मार रहा है, लेकिन जब उसको पता चलता है, वो देखो फायर हुआ, वहाँ मुझे पता चला कि भाई इसके अंदर अब बंदा है, ठीक है? हमारा एक बंदा बिल्कुल 1 HP है और दूसरा नॉक पड़ा है। तो मैं यहाँ पे कवर देने के लिए उसको कि तुम रिवाइव दो, मैं कवर देता हूँ, इंगेज करता हूँ यहाँ से, ठीक है? तो ये सारा सीन होता है। तो गाइस, कई ज़्यादा लोग ना आके कमेंट करते हैं कि भाई तेरे व्यूज़ कितने हैं, तेरे 2 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं और तेरे व्यूज़ नहीं आते। तो यार, लोगों के मुंह पे चपेड़ मारो ना, इस वीडियो को शेयर करो और लाइक तो कर दो ना इस वीडियो को। यार कसम खुदा की, मुझे अगर 1000 व्यूज़ भी आते हैं ना, तो मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ, मैं खुश हूँ यार। लेकिन लोगों की बातें भाई कसम से, इतनी कोई मतलब गिरी हुई बातें करती है आवाम आके कमेंट में, इतने गिरे हुए लोग कमेंट में आके बातें करते हैं कि यार मतलब मैं कुछ बोल भी नहीं सकता। मैं सिर्फ उनके कमेंट पे पता है क्या रिप्लाई देता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह भाई मैं खुश हूँ, तुम ना मुझे 100 व्यूज़ भी आता है मैं खुश हूँ। लेकिन भाई लोगों के मुंह पे चपेड़ मारो, इस वीडियो को शेयर करो दोस्तों को, यारों को, इस वीडियो पे लाइक करवाओ, जितने हो सकते हैं करवाओ। तो काइंडली थोड़ी हेल्प कर दो आप लोग भी, वाकई में मेरा चैनल बहुत ज़्यादा डेड है, 2 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं और मेरे व्यूज़ नहीं हैं, ठीक है? अब मेरी थोड़ी सेंसी ख़राब हुई थी, तो मैं अपनी सेंसी सेट करने आया, 6x की 3x की सेंसी थोड़ी अप डाउन हुई हुई थी, तो सेंसी सेट की। अब आगे भी बंदे, पीछे भी बंदे, 50 बंदा लाइव है, तो कहीं ना कहीं तो होगा ही ना, कहीं ना कहीं क्या भाई, हर जगह बंदे हैं। यहाँ कंटिन्यूसली अब फायरिंग की आवाज़ आएगी आपको, कुछ भी नहीं है, बस फायरिंग ही फायरिंग हो रही है, ठीक है?
तो अभी यहाँ पे ना सीन ऐसे होता है, जोन निकल जाता है, मैं सोए रहता हूँ, पीछे एक शैक है, मैं उस पर चला जाता हूँ, लेकिन मेरा टीममेट कहता है कि भाई मैं जाता हूँ शैक पे, आप यहीं पे खेलो, ठीक है। वो शैक पे चला जाता है, लेकिन मैं बगी थोड़ी सी ना आगे लेके जाके ना सेव कर लेता हूँ, ठीक है। अभी आप लोग यहाँ पे ना ये फाइट इंजॉय करना, जब तक मैं उसको नॉक नहीं देता, आप लोग यहाँ पे हमारी बातें और हमारी फाइट इंजॉय करो, ठीक है। एक नॉक टावर वाला नॉक है, टावर वाला नॉक है। कवर नहीं मुझे, वॉच आउट, सामने बंदा है, वॉच इधर आउट। नॉक किया मैंने, कहाँ है मुझे नहीं नजर आ रहा, मेरे पास स्मोक है जाने। बहुत गंदी लाइट आ रही है, मुझे मेरा किल मिल गया। नहीं नजर आ वॉच आउट। अब पब्लिक पीछे एक बंदा आउट ऑफ जोन आ रहा होता है, तो वो आउट ऑफ जोन आके मतलब मार देता है, मुझे नॉक करता है, तो मैं यहाँ पे रिवाइव भी हो जाता हूँ, ठीक है। तो मेरा एक बंदा, मैं जैसे ही देखा ना, मेरा एक बंदा जोन में है यार, और दो हम तीन बंदे जोन से बाहर हैं, तो मैंने हील करके फौरन उस बंदे के पास जाने का सोचा। मैंने कहा भाई वो जोन में, वो ज़्यादा एडवांटेज पे है, हम लोग पहले, मैं तो वहाँ चलूँ ना, ये आते नहीं आते। बाकी इनको कॉल दे दी थी कि आ जाओ, लेकिन इनके पास गाड़ी नहीं थी, ओपन में ही मर गए थे हमारे दो टीम में, ठीक है। अगर हम चारों जोन पहुंच जाते तो मे बी चिकन भी हो सकता था, लेकिन देखना चिकन कैसे मिस होगा। तो गाइस ये सारा सीन है, अभी यहाँ पे मैं हील अप हुआ, मैं वैसे ही फायर मारा था मार्क पे, और मैं यहाँ से बगी लेके ना, बस मैंने कुछ नहीं सोचा, ना इधर देखा ना उधर, मैं निकल गया भाई अपने बंदे के पास जिसने जोन पकड़ा हुआ था, और जोन का मिड था, और बहुत अच्छा जोन था ये वाला। तो अब यहाँ पे एक मसला था, हमारे राइट रिज पे भी बंदे थे, राइट वाली तरफ भी, और हमारे लेफ्ट तरफ जो रिज है, जहाँ नंबर वन देख रहा है, वहाँ पे भी बंदे थे। अगर हम राइट वालों को मारने के लिए ऊपर होते हैं तो लेफ्ट वाले मारेंगे, लेफ्ट के लिए ऊपर होते हैं तो राइट वाले मारेंगे। तो इसीलिए अब देखो यहाँ पे मेरा बंदा एक नॉक हो गया, एक जोन से नॉक हो गया, एक मोली से हो गया, तो ठीक है। मैंने स्मोक किए, मैंने अपने इस बंदे को रिवाइव वगैरह दिया, मैंने कहा भाई वो नीचे वाले तो बचेंगे नहीं, तो इससे बेहतर है कि भाई अपने जो क्लोज बंदा है इसको बचा लिया जाए। तो मैं यहाँ पे ना इसको बचा रहा था, मैंने इसको रिवाइव वगैरह किया, इसने हिलअप हुआ। अब पीछे से बंदे आ रहे थे, ठीक है, पीछे जो बंदे थे ना वो भी क्लोज इन करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। तो मैंने स्मोक करके, मतलब एक देखो स्मोक बहुत अच्छी चीज़ होती है, अब स्मोक करोगे तुम लोगों को एक अच्छा टाइम मिलेगा यहाँ पे रिवाइव एग्जीक्यूट करने के लिए, फाइट लेने के लिए, हर चीज़ के लिए। स्मोक इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा एक बंदा जो होता है पीछे की तरफ से बबलू की टीम आ रही होती है, और सामने FM नासिर होता है, और ऊपर TG भी होती है, ठीक है। तीन टीमें वो और एक हमारी टीम, चार टीमें थी, TG, FM और बबलू। तो अभी ये सीन होता है, यहाँ पे बबलू का एक बंदा आता है, पैन पैन भाई आते हैं हमारे, तो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा होता है, मैं वैसे ही शॉट कराने की कोशिश करता हूँ कि शायद शायद शॉट कनेक्ट हो जाए, लेकिन कोई शॉट नहीं कनेक्ट होती, ठीक है। अब यहाँ पे स्मोक देखो, जहाँ पे स्मोक है ना, देखना स्मोक में से एक बंदा हल्का सा सामने नज़र आएगा आता हुआ, देखना। अभी यहाँ पे चेक कर, वो नज़र आया, जैसे ही हल्का सा नज़र आया, इसको थोड़ा सा डैमेज मिला, इतना डैमेज नहीं मिला, और ये नीचे आके बगियों के पास एक बंदा लेट गया। अब ये बंदा और इसके ऊपर जो बंदे थे वो बंदे, ठीक है, और लेफ्ट साइड पे लग TG के बंदे और पीछे FM के बंदे। बबलू का एक इधर था, एक ऊपर था, दो TG के लेफ्ट साइड थे। अब यहाँ पे मेरे बंदे को इसने नॉक दिया, मैंने इसको नॉक ही नहीं दिया, स्ट्रीम पे इंट्रो में आप लोगों ने देखा ही होगा, अब मैं दोनों तरफ फाइट ले रहा था, ठीक है। इसीलिए मैं ना प्रोन प्रोन गेम होती है भाई, ओपन में हो लास्ट सर्कल प्रोन गेम होती है। अब ये जैसे ही ऊपर आया, देखो मैं मारने, इसको ऊपर वाले ने मारा, ऊपर वाला खुद जोन में मर गया, लेकिन इसको ऊपर वाले ने नॉक दिया था, नॉक नहीं डैमेज दिया था, नॉक मैंने कर दिया। अब यहाँ पे मुझे शॉट कनेक्ट होती है, मेरी उसको नहीं होती, अगर मेरी शॉट कनेक्ट हो जाती ना तो मुझे पता चल जाता कि भाई बंदा एग्जैक्टली हाथ है कहाँ। पर यहाँ पे मैं ना प्रोन करके जा रहा था, तो मुझे हल्का सा नजर आया, मैंने उसको उसको नॉक दिया। अब TG, FM और UNQ रह गई थी, और TG का जो बंदा था वो FM के आखिरी बंदे पे कर देता नेड, तो यहाँ पे TG के बंदे ने नेड किया, मेरे दो किल मुझे मिले। अब TG के बंदे रह गए, अब एडवांटेज मेरे पास था जोन का, लेकिन मैं थोड़ा डाउन रेंज था, वो लोग दो बंदे थे, एक को मैं नॉक भी देता तो दूसरा मुझे मार ही देता, लेकिन मैंने यहाँ पे अपनी फुल कोशिश की है भाई, मैंने डैमेज भी किया है, ये नहीं कि मैं बिल्कुल एम ही मार गया, लेकिन मैंने यहाँ पे फुल कोशिश किया, एक को डैमेज किया, ये देखो।
एक को डैमेज किया, फिर दूसरे को भी डैमेज किया, दोनों को डैमेज किया। एक बंदा लेफ्ट से आ रहा था, और यहाँ पे भाई नेड आके लगता है मेरे पिछवाड़े पे और चिकन मेरे हाथों से निकल जाता है। तो गैस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली यार लाइक कर दो वीडियो को, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करो। लोगों के मुंह पे चपेड़ मारो जो लोग कहते हैं कि भाई तेरे 2 लाख सब्सक्राइबर हैं और 2,000 भी व्यूज़ नहीं आते। काइंडली यार वीडियो को लाइक करो और आगे शेयर करो, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दो इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।